उपस्थित सभी दीदी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी। कहिए, कैसे हैं आप लोग और घर परिवार में सब कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग हमें पिछली बैठक की कुछ मुख्य बातों को बता सकती हैं? जी दीदी, महिलाओं के लिए 10 में से 5 खाद्य समूह का खाना रोज खाना बहुत जरूरी है, खासकर गर्भवती एवं धात्री माताओं को। प्रत्येक दिन गर्भवती माता को 1 अतिरिक्त भोजन और धात्री माता को 2 अतिरिक्त भोजन लेने के साथ ही साथ पौष्टिक नाश्ता लेना भी जरूरी है। और हाँ, इसके साथ साथ आयरन फॉलिक एसिड की गोली, कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए आशा दीदी या ANM दीदी को संपर्क करना चाहिए। अरे वाह दीदी, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। दीदी, पिछली बैठक के बाद से बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है। इस महंगाई में हम कम से कम 5 खाद्य समूहों का खाना रोज पूरे परिवार के लिए कैसे लाएंगे? सही कह रही हैं आप दीदी, पर इसका भी बहुत आसान और सरल उपाय है। पर आइए पहले हम गुणवंती दीदी से जानते हैं कि उन्होंने मीना और खुशबू को विभिन्न खाद्य समूहों का खाना किस प्रकार खिलाया। हुआ यूं कि मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा के लिए अपने गांव गई थी और सब्जियां महंगी होने के कारण यहाँ मीना खुशबू को मसला हुआ भात और आलू खिलाया करती थी। एक दिन अचानक हमारी दूर की गोतनी आ पहुंची। खुशबू को खाना खिलाते देखकर उन्होंने कहा कि खुशबू की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भात और आलू पर्याप्त नहीं है, इस तरह वो तो और भी कमजोर हो जाएगी। खुशबू को कई प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत है, जो 7 में से कम 4 आहार समूह का भोजन करके ही मिलेगा। पोषण बगीचा लगाकर तरह तरह के फल और सब्जियों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके गांव में तो जीविका की मदद से घर घर पोषण बगीचा है। जब मैं वापस आई तो मीना ने सारी बातें बताई। फिर हम दोनों ने मिलकर अपने घर में भी पोषण बगीचा लगाया। इससे हमें साल भर पौष्टिक साग सब्जियां भी मिल जाती हैं और पैसों की बचत भी हो जाती है। पोषण बगीचा वो क्या होता है, जरा हमें भी विस्तार से बताइए ना। पोषण बगीचा माने घर या घर के आसपास की जमीन पर लगाई गई फल और सब्जियों का बगीचा, जिसमें हरी पत्तेदार साग सब्जी, लाल और पीले फल एवं सब्जियां और मौसमी फल सब्जियां उपजाई जाती हों। लेकिन हरी पत्तेदार साग सब्जी, लाल और पीले फल एवं सब्जियां और मौसमी फल सब्जियों से बच्चों को क्या फायदा होगा दीदी? पोषण बगीचा से बच्चों को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ पूरे परिवार को भी फायदे होंगे। जैसे घर के सभी सदस्य, विशेषकर गर्भवती माता, धात्री माता और बच्चे हरी पत्तेदार साग सब्जी खा पाएंगे, जिससे कि वो खून की कमी अर्थात एनीमिया से बच पाएंगे। लाल पीले फल और सब्जी भरपूर मात्रा में खा पाएंगे, इससे इनके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलेगा, जिससे वो रतौंधी एवं और भी कई बीमारियों से बच सकते हैं। मौसमी फल सब्जियों से सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से बच पाएंगे। अच्छा, तो पोषण बगीचा लगाना इसलिए जरूरी है? इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे फायदे हैं पोषण बगीचा के। जैसे पूरे परिवार के लिए साल भर ताजी सब्जियां और फल उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि हम रासायनिक और कीटनाशक दवाई के उपयोग से बच जाते हैं। आहार विविधता अर्थात महिलाओं को 10 में से 5 और बच्चों को 7 में से 4 आहार समूह आसानी से दिया जा सकता है। बाजार से सब्जी फल लाने की परेशानी से तो छुट्टी मिलती ही है, साथ में पैसों की बचत भी होती है। सही कहा आपने, लेकिन पैसे कैसे बचेंगे दीदी, थोड़ा बताइए ना। अरे दीदी, जब हम विभिन्न प्रकार के फल और सब्जी खाएंगे तो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, हम बीमार कम पड़ेंगे और डॉक्टर को जाने वाला पैसा बच जाएगा। साथ ही शहर आने जाने और फल सब्जियों के मूल्य पर होने वाले खर्चे भी तो बचेंगे। इतने सारे फायदे, तब तो मैं भी पोषण बगीचा जरूर ही लगाऊंगी। दीदी, इसके लिए क्या करना चाहिए
और इसे कब लगा सकते हैं? इसके लिए घर आंगन की जमीन का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे किसी भी मौसम में यानी कि साल भर कभी भी लगाया जा सकता है। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वो कैसे लगाएंगे पोषण बगीचा? जिनके घर में या आसपास जमीन नहीं है वो अपने घर के छत पर पुराने बोडे, गत्ते, प्लास्टिक के डिब्बे, टूटी फूटी बाल्टी, गमले में भी मिट्टी भरकर पोषण बगीचा लगा सकते हैं। और इस बगीचे में हम क्या क्या लगा सकते हैं दीदी? इसमें हम विभिन्न प्रकार के हरे पत्तेदार साग जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी, पुदीना, सरसों आदि लगा सकते हैं। साथ ही लाल पीले फल और सब्जियां जैसे पपीता, केला, कोहड़ा, गाजर, टमाटर लगा सकते हैं। अन्य सब्जियां या अन्य फल जैसे कद्दू, नेनुआ, गोभी, खीरा, अमरूद, नींबू, आंवला भी लगा सकते हैं। अब तो हम सभी लगाना चाहेंगे पोषण बगीचा। बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा? पोषण बगीचा लगाने के लिए कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे सिंचाई का सही प्रबंध करना। इसके लिए हम घर में उपयोग किया पानी जैसे चावल या सब्जी का धोया हुआ पानी भी उपयोग कर सकते हैं। घर में ही उपलब्ध सूखे पत्ते, गोबर, सब्जी एवं फलों के छिलके से बनाए गए खाद का उपयोग कर सकते हैं। समय समय पर बागीचे के आसपास की सफाई और पौधों के आसपास की घास को हटाना भी जरूरी है। एक छोटा सा नर्सरी तैयार करना जिससे कि अगले मौसम में लगाए जाने वाले पौधे बिना खर्च के तैयार हो सकें। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने ग्राम संगठन के VRP से भी मदद ले सकते हैं। तो दीदी अब आप बताएं कि पोषण बगीचा के बारे में आपने क्या क्या सीखा? पोषण बगीचा हर घर में होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। बाजार से सब्जी खरीदने पर होने वाले खर्चे को हम बचा सकते हैं और हम रासायनिक कीटनाशक दवाई युक्त फल और सब्जी खाने से बच जाते हैं और हमारा परिवार सुखी और समृद्ध होता है। बहुत अच्छा दीदी, तो आइए एक बार मिलकर बोलें, पोषण बगीचा लगाएं, परिवार को सुखी और समृद्ध बनाएं। पोषण बगीचा लगाएं, परिवार को सुखी और समृद्ध बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फिर मिलेंगे अगली बैठक में एक नए विषय के साथ।